बहुत बेसब्री से। क्या हो गया इधर होने जा रहा? अरे सांसद जी का नाम नहीं है, अध्यक्ष जी का नाम नहीं है, ना जनपद अध्यक्ष का नाम है, ना सांसद जी का नाम है। बताइए, ये कोई बात थोड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस है बस, बीजेपी हर जगह भी कांग्रेस दिख रही है, उस नजरिए से देख रहा है। जो नियति होनी चाहिए उस हिसाब से कुछ नहीं देख रहे हैं। जनपद अध्यक्ष का नाम नहीं लिया है, बताओ आप, जो ब्लॉक का अध्यक्ष है भी नहीं है इसमें। डाल दो। पेंटर कहाँ है? आना बड़ा कलेक्टर महोदय जी के पास में, ऐसी क्या शिकायत थी जिसको लेकर के आप यहाँ आए? मैं अपने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी के आवेदन को देने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ पे आई हुई हूँ। इस रावत बनवारी हिम्मतगढ़ पंचायत है, जिसमें तीन गांव आते हैं, रावत बनवारी, गुजर बनवारी और हिम्मतगढ़। तो उसमें गौशाला का निर्माण किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि में मंत्री जी थे लाखन सिंह जी, और मैं ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ, जनपद अध्यक्ष। तो ना मुझे उसमें आमंत्रित किया गया, ना मुझे उसकी जानकारी दी गई। और उसका जो निर्माण किया था गौशाला का, तो उसकी जो पट्टिका बनी हुई है उसमें ना मेरा नाम था, ना ही सांसद जी का नाम था, और ना ही किसी जनपद सदस्य का, किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं था, केवल मंत्री जी और वहाँ के सरपंच का नाम था। तो इसमें किन की गलती हो सकती है, क्योंकि ये तो अधिकारियों का कार्य, बिल्कुल ये सरकारी कार्यक्रम था। तो मैं इसमें पूरी गलती मेरे जनपद सीओ अशोक शर्मा जी की बोलूंगी, और वो उन्हीं की ये त्रुटि है, उन्हीं की हरकत के वजह से उन्होंने इतनी बड़ी हमारे साथ हमारी बेइज्जती की है। ब्लॉक के अध्यक्ष होने के बावजूद भी पटशिला पे हमारा नाम ना होना, हमें आमंत्रित ना करना, ये हमारी बेइज्जती है। मंत्री जी थे लाखन सिंह यादव जी थे, वहाँ पर आपको उन्होंने बुलाया भी गया था, लेकिन आप निकल चुके थे उस वक्त। तो उसमें मंत्री जी का तो कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे मंत्री जी से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, उनके नेचर से, उनसे बात करने के तरीके से, उनसे बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे ऐसा। इसमें हमारे जनपद के कर्मचारियों की और अशोक शर्मा जी का ही। तो आपने इसके बारे में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की कलेक्टर साहब? और इसमें मेन भूमिका हिम्मतगढ़ सरपंच की भी रही है, क्योंकि ये पटशिला उन्हीं ने बनवाई थी। इसमें आपने संबंधित बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है? जी हाँ, बिल्कुल की है। मैंने कलेक्टर महोदय जी को एक आवेदन दिया है, और जिला पंचायत सीओ साहब को भी एक आवेदन अभी मैं देके आई हूँ, शिवम वर्मा जी को, उन्होंने एक विरोध सा छड़ा हुआ है। इसी कड़ी में हमने देखा कि जो करैया के अंदर गौशाला का उद्घाटन जब हुआ था, वहाँ पर सरपंच पंचायत अध्यक्ष मीना रावत का नाम नहीं था, इसमें अनीता रावत का नाम नहीं था। इसमें सर क्या किसकी गलती थी और क्या? देखिए, इसका ये इनका जनपद अध्यक्ष भितरवार, इनका आवेदन ही मेरे पास आया है, एक की इनके नाम पट्टिका में उचित नाम ना होने का प्रोटोकॉल का वायलेशन। तो इसके संदर्भ में सीओ जनपद भितरवार को हमने निर्देशित किया है कि वे इसकी जांच भी करेंगे, स्पष्टीकरण भी लेंगे, और तत्काल वो जो पट्टिका जिसमें प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ उसको तत्काल चेंज करवाएंगे। ये निर्देश भी इनको दिए गए हैं।